इसलिए मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेगम हिना शहाब लड़ रही हैं निर्दलीय चुनाव। एक बार फिर से हुई हिना शहाब पर जेसीबी से फूलों की वर्षा। जी हां, लालू प्रसाद यादव की नींद उड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी शिवा और इवन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक ऐसा परिवार है जिसे लेकर लालू परिवार हमेशा सतर्क रहा है। साल 2022 में गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के समय ये परिवार तेजस्वी के लिए परेशानी का कारण भी बना था। हुआ ये था कि गोपालगंज में शहाबुद्दीन के परिवार ने महागठबंधन के खिलाफ जाकर मुस्लिमों से वोट देने की अपील कर डाली थी। चर्चा ये भी थी कि ओवैसी की पार्टी के समर्थन में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने कैंपेन भी किया था। शहाबुद्दीन की तिहाड़ जेल में मौत के बाद जिस तरह लालू परिवार ने उनके परिवार से कन्नी काटी, ये बात शहाबुद्दीन के बेटे के अलावा उनकी पत्नी हिना शहाब को भी चुभ गई थी। उसके बाद से शहाबुद्दीन का परिवार राजद से दूरी बनाए हुए है। मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब हिना शहाब सिवान से निर्दलीय ताल ठोक रही हैं। इससे इंडी गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन प्रत्याशी की नींद उड़ गई है। इफ्तारी पार्टी का राजनीति में खास महत्व है। रमजान और इफ्तार के बहाने सियासत की परंपरा कोई नई नहीं है। इस बार रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव पड़ गया है, लिहाजा राजनीतिक दल रोजा और इफ्तार के बहाने अपनी जीत सुनिश्चित करने में लग गए हैं। रविवार को सिवान के पपौर गांव में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें इसमें शामिल होने के लिए हिना शहाब पहुंची। सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत स्थित पलक बुद्धा आईटीआई पलक टूर एंड ट्रेवल्स में दावत इफ्तार पार्टी में पहुंची तो उनका स्वागत फूल बरसाकर किया गया। इस मौके पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि के साथ कई सम्मानित नेताओं और सैकड़ों ग्रामीणों ने मरहूम पूर्व और सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी सिवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही भावी सांसद प्रत्याशी हिना शहाब का जबरदस्त स्वागत किया। हिना शहाब ने अपने विरोधियों पर इस दौरान निशाना साधते हुए यह संदेश दिया, इंसान अकेला कभी नहीं होता है, उसके सोच पर निर्भर करता है कि वो अकेला है कि नहीं है। जब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात की थी तो मैं खुद को अकेला सोचकर नहीं किया था, बल्कि मैं जानती थी कि सिवान की सभी सम्मानित जनता मेरे साथ हैं, जिन्होंने 15 सालों से मुझे नहीं छोड़ा, वो अब क्या छोड़ेंगे। इसी हौसले के साथ मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी और आज सभी लोगों का आश्वासन और स्नेह और प्रेम मिल रहा है। उन्होंने इस जीत को नौजवानों की जीत बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से नौजवान हर्षोल्लास के साथ मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से यह जीत का श्रेय उन सभी नौजवानों के प्रति समर्पित है। आपको बता दें कि हिना शहाब जैसे ही पपौर गांव में पहुंची तो लोगों ने जमकर हिना शहाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और जैसे ही उनकी गाड़ी सड़क पर पहले से खड़ी जेसीबी गाड़ी के पास पहुंची तो उस पर मौजूद हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के युवाओं के द्वारा फूलों की वर्षा शुरू कर दी। इस दौरान सैकड़ों लोग हिना शहाब की गाड़ी को चारों ओर से घेर कर जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। जिस तरह हिना शहाब का सिवान में बोलबाला चल रहा है, उससे यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सिवान में जो चुनावी लड़ाई है यह काफी दिलचस्प होने वाली है।